लोग जा रहे हैं अंदर की तरफ वाला सिर्फ बंदे की चेक करो आप सब छोड़ो आप जगह आ गई हमारी वेलकम बैक टू दी चैनल। तो भाई कैसे हैं आप लोग, खैरियत से हैं, फिट फाट है, मेरी यूट्यूब फैमिली फिट फाट है, खैरियत से हैं ना भाई। तो भाई आज का व्लॉग यहीं से स्टार्ट होता है और आज के सीन्स बहुत ही कोई वीआईपी होने वाले हैं, जैसे ओल्ड टाइम्स पुराने टाइम याद आ जाएगा आपको, क्योंकि आज जो है हम कोई वीवीआईपी जगह जाने वाले और वो जगह क्या है, फूड ब्लॉग, वीवीआईपी फूड ब्लॉग है भाई आज का, तो वो जबरदस्त सीन्स हो जाएंगे और बहुत टाइम बाद मैं जा रहा हूँ उस जगह पे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमने जाना है हारून को पिक करने एक जगह से, और आज हमारे फूड पार्टनर हैं हारून खान। तो भाई अभी ये क्या करना है, हमने जाना है हारून को पिक करने एक जगह से, और उसके बाद हारून को पिक करने के बाद देखेंगे हारून को भी काम तो नहीं है, तो फिर जाएंगे हम अपना फूड ब्लॉग बनाने के लिए जबरदस्त जगह पे भाई, और वहां के सीन्स आप लोग देखेंगे आपके मुंह में तो आ जाएगा जबरदस्त वाला पानी पुराने टाइम्स की तरह भाई, जैसे ओल्ड टाइम्स में हम लोग जाते थे, मैं फूड ब्लॉग बनाता था और आपके मुंह में पानी आता था, सेम वही वाला सीन होने वाला है। बहुत टाइम बाद आपके भाई जा रहा है एक कोई लजीज जगह पे, जगह देख के ना आपके मुंह में पानी आ जाएगा, खाना तो बात की बात है, जगह देख के आपके मुंह में पानी आ जाएगा, जैसे आप माहौल देंगे आप बोलेंगे यार ये थी ना क्लास। तो भाई अभी सीन ऐसे है, अभी जा रहा हूँ खाने को पिक करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या सीन है और आपको भी दिखाते हैं। और ये देखें आपके भाई ने अपना हेलमेट किस तरह लटकाया हुआ है, क्योंकि ब्लॉग बना रहा था तो हेलमेट इस तरह लटकाया हुआ है, हेलमेट को इस तरह लटकाया हुआ है ब्लॉग के चक्कर में, और बाइक आपके भाई की वहां खड़ी हुई है, क्रैश गार्ड वगैरह लग चुका है, बाइक हो चुकी है कम्प्लीट, कल आप लोग ने ब्लॉग देखा होगा भाई की बाइक का जबरदस्त सीन होगा, अभी तो बस जीरो मीटर हो गए बाइक की, भाई की बाइक जीरो मीटर हो गई है। चलते हैं हारून को पिक करते हैं और आपको मजीद ब्लॉग दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो भाई सीन ऐसा है, आपका भाई कर रहा था पहले स्केटिंग, तो आए राफे भाई, इन्होंने बोला यार हारून सीन तो कैसा है, कहीं चलते हैं खाने के लिए, तो मैंने बोला कहाँ चले, राफे भाई ने बोला कहीं चलते हैं अलासिफ की तरफ ना, तो राफे भाई कहाँ जा रहे हैं हम अलासिफ पे, भाई अलासिफ में ये बाहर के रेस्टोरेंट से तो अब नहीं आ रहे, अभी अंदर वाला सीन दिखाते हैं आप लोगों को, बाहर के रेस्टोरेंट दिखाए अभी आप, ये देखिए बाहर के रेस्टोरेंट में अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर की तरफ अलासिफ पे, छोटा अफगानिस्तान, अफगानी खानों का पुराना मशहूर रेस्टोरेंट, बड़ी हवा में यहाँ पे देख सकते हैं आप, आने वाले येरी 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 येरी। तो भाई हम आ गए, चेक करें आप लोग सीन चेक करें आप, ये जगह ना थोड़ी ऐसी है जैसे आप देख रहे हैं, पर सुनने में आया राफे भाई ने हमें बताया भाई यहाँ का खाना ना जो है ना एंड लेवल, हटो बच्चों, तो हमने बोला तो क्यों ना चक्कर लगाए हम, तो अभी राफे भाई बाइक खड़ी कर रहे हैं, बंदे की गेटिंग चेक करो आप सब छोड़ो आप, जगह आ गई हमारी, मेरे राफे भाई, ये राफे भाई फुल किटिंग में। बस तो बस अब आपको थोड़ी देर में दिखाते हैं खाना खाते हुए। भाई व्यूअर सीन्स को जैसे अभी आप लोग चेक कर रहे हैं, आपका भाई बैठा हुआ है अलासिफ पे, मदीना रेस्टोरेंट अलासिफ, हारून के साथ हारून खान, और भाई ये है इनका मेन्यू, ये चेक करें आप लोग मेन्यू यार, अभी आपके भाई ने जो है फुल समझ लें कि पूरा मेन्यू मंगवा लिया, पूरा मेन्यू आपके भाई ने ऑर्डर कर लिया, अभी जो है ब्लॉग का नाम रखेंगे आई ऑर्डर्ड अलासिफ फुल मेन्यू, ये कैसा था टाइटल कैसा है, जबरदस्त है ना। तो भाई नहीं ऐसा कोई सीन नहीं है, हमने जो है चावल मंगवाए इनके, अफगानी पुलाव आ गया, रोश आ गया और टीके आ गई, तीन आइटम पसंद है आपके भाई को, बाकी और भी कुछ है लेकिन वो हमें समझ नहीं आता, इसलिए हम जो है सिर्फ अफगानी पुलाव रोश और टीके खाते हैं। क्या कहते हो अरुण, जो बात है फर्स्ट टाइम है अलासिफ, अरे भाई हारून अलासिफ फर्स्ट टाइम आए भाई, तो भाई ये देखे सामने से बंदा आ रहा है, इसके हाथ में ये रोटी, अब रोटी का सीन चेक करें आप लोग, ये देखें रोटी का साइज देखें, हारून ये अकेले खानी है तुमने नहीं बोल भाई, अकेले खानी है हारून को,
वैसे अभी ये छोटी लग रही है मुझे, लास्ट टाइम उससे भी बड़ी थी। हाँ हाँ भाई, लास्ट टाइम उससे बड़ी थी। और लिटरली एक दफा तो ऐसा आपके भाई को ऐसी भूख लगी हुई थी कि आपके भाई ने एक पुलाव, एक रोस्ट, 12 सीखे और 2 रोटियां खाई। अब आप लोग बोल रहे होंगे ज्यादा हो गया, समझ नहीं आ रही, ज्यादा नहीं हुआ। उस दिन खुशी भी बहुत थी और भूख भी बहुत लगी हुई थी। और मेरे साथ जो मेरा पार्टनर था ना, फूड पार्टनर, वो ऐसा बंदा था, एक दिन मिल पाऊंगा आप लोगों से, जरूर मिल पाऊंगा उसको। वो ऐसा बंदा था ना, वो बोलता है बस लाते रहो और खाते रहो, वो ऐसा बंदा है। तो खैर बड़ा मजा आया था उस दिन भी और आज भी हमारे। देखें अलासिफ की सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे ही आओ ना, फौरन जो है आपका खाना आ जाता है आपके सामने ऑर्डर लगाते ही। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, ये आ गया हमारा रोश। और ये खान है हमारा दोस्त, हम हमेशा इसके पास आते हैं। तो भाई आप लोग भी आए तो मदीना होटल आए, मदीना रेस्टोरेंट, और ये खाना आपको वहाँ मिलेगा इंशाल्लाह। ये आपके भाई का खाना आ गया सामने, और ठीक है अभी आना बाकी है, अभी आप खाना स्टार्ट करते हैं उसके बाद आपसे। अल आसिफ की खास बात क्या है, जैसे ही ऑर्डर करो ना फौरन आ जाता है। ये देखें आपके भाई की सीखे भी आ गई, ये सीन्स चेक करें आप लोग। और हारून भाई फुल लगे हुए मस्त, अब तो छोड़ना ही नहीं है, अब तो छोड़ना ही नहीं है, अभी ब्लॉग व्लॉग बोल रहे, अभी ब्लॉग व्लॉग छोड़ो, अभी खाने पे ध्यान दो। अभी ये रोज का सीन्स चेक करें आप लोग, यार ये आपका पुलाव आ गया और ये मजेदार सीखे, ये रोटी भाई फुल अलग ही सीन है, अलग ही सीन है, फुल नेक्स्ट लेवल। ये चेक करें सबसे पहले तो ये है रायता भाई, और रायता खा के दिखाते हैं, उसका टेस्ट बताते हैं आपको। अल्लाह ही कोई नेक्स्ट लेवल रायता है, बहुत ही लजीज है। और ये देखें ये है काबली पुलाव, ओहो क्या बात है भाई क्या बात है। ये है इनका अफगानी पुलाव, काबली पुलाव बोल रहा हूँ मैं, अफगानी पुलाव है ये। और ये देखें आपके भाई ने फुल जबरदस्त करके जो है निवारा बनाया, और इसको खाते हैं और आपको बताते हैं। भाई इसमें जो है ये किशमिश टाइप का कुछ डाला हुआ होता है, कोई लजीज लग रहा होता है, ये नेक्स्ट लेवल। ये चेक करें भाई, ये देखें आप लोग सीख, ओए होए होए आरुण भाई फुल भाई सीख भाई छोड़ना नहीं है, हल्के तो आना ही नहीं है। और अब क्या खाएंगे, अब हम आपको टेस्ट कराएंगे रोश। ये देखें नमकीन रोश, इसके सीन चेक करें। और ये देखें आप लोग कितना गला हुआ गोश है ये। और ये चने की दाल के साथ इसको ऐसे लेना है आपने, ये आ गई आपके उसमें चने की दाल, और उसके बाद इसको इसमें डिप करना है, ये देखें ऐसे। और फिर आपने इसको ये है क्या, बहुत ही लजीज यार। ये बेसिकली जो है इस रोस्ट का ही पानी होता है, जिसे आप यखनी बोलते हैं, यखनी मटन यखनी होती है, इतना यखनी को आप रोस्ट को डिप करके खाते हैं। और अब हम लास्ट बट नॉट लीस्ट क्या खाएंगे, ये तो खानी है। ये चेक करें अभी आप लोग, ये चेक करें भाई, ये देखें ओए होए 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 होए। और इसको क्या करना है, इसमें डिप करके खाना है, क्या बात है क्या बात है। और ये अलग आप भाई, ये हैं हमारे सीन्स, ये हैं हारून के सीन्स, और ये आप लोग देख रहे हैं अलासिफ के सीन्स। तो भाई अभी आपने अपने भाई को देनी है इजाज़त, क्योंकि आपका भाई अभी खा रहा है, दबा के खाना ठंडा हो जाएगा, अगर ज़्यादा ब्लॉग में लगे रहेंगे तो ठंडा हो जाएगा। आप लोग को नहीं चाहिए कि आपका भाई ठंडा खाना खाए, नहीं सही बात है ना। स्लाइस है, स्लाइस स्लाइस स्लाइस, सेवन अप, एक सेवन अप और एक कावा। तो भाई व्यूअर्स अभी मैंने मंगवाया है एक सेवन अप और एक कावा, क्योंकि ये चीज चेक करें आप, ये कारनामे है हारून भाई के और मेरे, हमने पूरा जो है कम्प्लीट किया अल्हम्दुलिल्लाह, पूरा बराबर किया है खाने के साथ, पूरा बराबर किया है। और अब पेट फुल हो चुका है तो हम यहाँ का पियेंगे कावा। यहाँ के कावे की खास बात है, मंड के खाओ एंड में कावा पी लो सब हजम हो जाएगा। अभी कावा आएगा, कावा के सीन्स आपको चेक कराते हैं, और कावा भी कोई नॉर्मल कावा नहीं है, कावा आएगा उसके सीन्स ही अलग है, अभी आप चेक करें। व्यूअर्स ये चेक करें आप,
क्लोज अप। ये हमारा कावा, ये इसके साथ दिए कुछ बादाम, ये बीच में आ गया गुड़, ये आ गए नुक्तेदान और वो आ गई एक टॉफी। ये कावे का पूरा सेटअप है। व्यूअर्स, आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, अभी बहुत से लोगों को ये नहीं पता होती, ये अलासिफ पे जो कावा मिल रहा है ना, ये कावा, इसके साथ जो एक गुड़ रखा हुआ होता है, ये क्यों रखा हुआ होता है? आपने यह करना है, जैसे अभी मैंने गुड़ जो है डांड में यहाँ पे फंसा लिया, उसके बाद क्या करना है, आपने कावा उठाया और गुड़ डांड में फंसाने के बाद कावा ऐसे पीना है, गुड़ का टेस्ट भी आता रहेगा आपको और कावा भी आपने पी लिया। ये खुसूसी पठानों का कावा और पठान इसी तरह पीते हैं कावा। अल आसिफ पे सेटअप है, कावे का सेटअप है, हारून भाई क्योंकि कावा नहीं पीते तो उनके हाथ में कोल्ड ड्रिंक। मस्त है, जाने दे भाई, जाने दे है? आने बात, खाना जो था ना रफी भाई ने मुझे बताया खाना कैसा है, मैंने बोला नहीं यार नॉर्मल होगा, लेकिन जब खाया ना मजा आ गया, मतलब मंडा है हमने, हटो बच्चो, मतलब खाया नहीं है, मंडा है हमने। और भाई अलासिफ है भाई, अलासिफ का तो सीन ही और है ना। ये चेक करें आप लोग, ये कावे के सीन्स हैं, ये अलासिफ के सीन्स हैं, ये हारून के सीन्स हैं और ये मेरे सीन्स हैं। तो भाई अब क्या करना है, आप लोगों ने अपने भाई को देनी है इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।